अब आपको अजमेर के 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित जो 10 नंबर पेट्रोल पंप है उसकी हम खबर दिखाते हैं, जहां पर जब पेट्रोल भराने के लिए एक ग्राहक वहां पर गया तो पेट्रोल पंप में से पेट्रोल के साथ पानी आने लग गया, यानी कि उसकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह पानी ही भर दिया गया। और ऐसा लगभग 10 से 15 गाड़ियों में हुआ, और जब 10 से 15 गाड़ियां थोड़ी सी आगे गईं और उसके बाद बंद होने लग गई, तब जाकर ग्राहकों को ये समझ में आया कि जो 10 नंबर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया जा रहा है वो वाकई पेट्रोल है ही नहीं। और उसकी जब पड़ताल की गई, जाँच की गई, ग्राहकों ने खुली बाल्टी के अंदर, तस्वीरों में जैसा हम आपको अभी दिखाने वाले हैं कि बाल्टी के अंदर जब पंप से पेट्रोल निकाला गया, तब साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि बाल्टी के अंदर पेट्रोल है ही नहीं, ये पूरा पानी है। और जब पेट्रोल के मैनेजर, जब पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, मैनेजर वहां पर मौजूद नहीं थे, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो जितने भी पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी थे वो वहां से, पेट्रोल पंप कर्मचारियों का इस पूरे मामले पर कहना था कि बारिश की वजह से जो पेट्रोल का टैंक जमीन के अंदर होता है, जहां पर बनाया जाता है सेफ्टी टैंक जिसके अंदर पेट्रोल सेव किया जाता है, उसके अंदर बरसात का पानी भर गया था, जिसके चलते पेट्रोल पंप में से पानी बाहर आता रहा। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, मैनेजर उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी कि ग्राहक शिकायत आखिर करे तो किसको करे। चलिए देखिए ये पूरी खबर कि आखिर किस तरीके से पेट्रोल पंप में से पेट्रोल की जगह पानी निकल रहा है। क्या बंद करा भाई? अरे वो डीजल वाला बोल ना, जल्दी कर दो, रोड पे खोल दो, बाल्टी लेकर बाल्टी, अरे खोल दो रोड पे, खोल दो, चलो भैया मैं हमारे पीछे रीडिंग रीडिंग करना पड़ेगी, रीडिंग का बंद करा, रीडिंग का बंद करा, बोतल पे लिखा हुआ है भाई, अरे तो कितना पानी आएगा भैया यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आपका चेक तो होता होगा, ये उसमें से एक ही टैंक से पेट्रोल आ रहा है और उसमें नहीं है पानी, अरे भैया हमारे चिप जाएंगे, अरे भैया और हमारे हमारे चिप जाओ गाड़ी के, अरे मैं कह रहा हूँ ना आपके लिए मिस्त्री बुला रहा हूँ, आप कैसे कह रहे हो, मैं कंप्लेंट आई क्या भाई, कंप्लेंट तो देखना बाबू, ये देखो इधर पानी आ रहा है, पानी आ रहा, कुछ नहीं आ रहा डीजल में, एक्शन मैडम, एक्शन एक्शन, मेरी बात ए, मेरी बात सुनो, एक्शन की यहाँ पे कार हो रही है, डीजल भरवाया उस बंदे ने, उसकी भी गाड़ी खत्म हो गई, बात कर लो उससे भी, बात कर ले भाई, डीजल डलवाया जो हेलो मैम, मेरी गाड़ी में अभी जस्ट डीजल डला है अपने यहाँ से मैंने, और मेरी गाड़ी ब्लॉक हो गई है, ऊपर तो पेट्रोल ही दिखेगा भैया, सरबत तो नीचे है, तो हिलाते आ गया तू, हाथ खराब कर रहे हो, आप तो नीचे है, हाथ क्या है, बाढ़ में जाना, तो अजय कौन है, अरे अजय के खड़ा है यार, तो भैया अजय क्या करेगा, हाँ जी मैडम, पता नहीं यार भाई साहब ये हुआ कैसे, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये अब एक चीज बताओ, डीजल की लाइन और पेट्रोल की लाइन अलग अलग होती है, टैंक दोनों के अलग अलग होंगे, बिल्कुल दोनों के अंदर क्यों आ रही दिक्कत, गाड़ी तो चलेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, वो आपकी इंजन सीज हो गया आपका, we'll be right back.
पेट्रोल पंप पेट्रोल बनाने के लिए आया था। एक्चुअली गाड़ी में तेल भराया था तो पेट्रोल के अंदर पानी निकल रहा था, फिर हमने बाल्टी में चेक करवाया, पूरे पेट्रोल के अंदर पानी पानी था पेट्रोल के अंदर। ये पूरा कालाबाजारी कर रहे हैं सर ये लोग। किस जगह पेट्रोल पंप है ये? 10 नंबर पेट्रोल पंप है, 9 नंबर पेट्रोल पंप के आगे वाला पेट्रोल पंप। आपने इनसे पूछा क्या हो रहा है? ये बोले कि कल बरसात हुई तो टैंक में पानी भर गया। हमने इससे बोला कि भाई टैंक में कैसे पानी भर सकता है, पेट्रोल का टैंक है। तो बोले कि नहीं सर पानी आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे तरीके बहाने लगा रहे सर ये। कितनी गाड़ियों इन्होंने? सर करीबन 15-20 गाड़ियाँ खराब हो चुकी है पेट्रोल की, कितनी तो रिटर्न आ चुकी है गाड़ियाँ वापस। अभी सर कंप्लेन करी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मैनेजर ही नहीं है यहाँ पे पेट्रोल पंप का।